गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। बड़ों को पैरीपना, छोटों को प्यार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो होली की मिठाई शुरू हो गई है। कल मैंने गुजिया बनाई थी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही, बिल्कुल बाजार वाली, जिसमें ढेर सारी लेयर्स होंगी और अंदर एकदम लस्सी भरी होएगी, ऊपर क्रिस्पी होएगी। तो चलते हैं, बनाते हैं बालूशाही। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं रसोई में और बनाते हैं बालूशाही। तो ये एक कप और ये आधा कप मैंने मैदा लिया है। डेढ़ कप मैदा के अंदर हम चुटकी भर, इसमें पहले तो थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर चुटकी भर, जिससे स्वाद एकदम बढ़िया हो जाता है, क्योंकि मीठे के अंदर थोड़ा सा नमक अच्छा लगता है। तो और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और 50 ग्राम के करीब मैंने देसी घी लिया है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको घी लेना, चाहे आप डालडा भी ले सकते हो, पर रिफाइंड मत लीजिएगा, घी डालिएगा। घी से इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है, खस्ता बनेगी एकदम। और इसको अच्छी तरह से हमने उस घी में मिक्स करना है। अच्छी तरह से घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसके अंदर। देखो जुड़ना शुरू हो गया, ये ऐसा होना चाहिए। अब धीरे धीरे इसके अंदर हम पानी डालेंगे। इसको हमने आटा जैसे गूंदते हैं वैसा नहीं गूंदना, फिर हमें इसको जोड़ना है धीरे धीरे करके, नरम हाथों से ऐसे करना है। तभी उसके अंदर लेयर्स आएंगे। थोड़ा सा पानी और डालते हैं और हल्के हाथों से इसे मिक्स करते चलते हैं। बस इस तरह का हमें डो तैयार चाहिए, गूंदा हुआ नहीं होना चाहिए, अलग अलग से दिखना चाहिए। भाई हमने ये जुड़ चुका है। बस इसको थोड़ी देर रख दे रहे रेस्ट करने के लिए, गीला कपड़ा रख के गीले कपड़े से ढक देते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तो हम चाशनी बना लेते हैं। एक कटोरी पानी लिया मैंने, जितना मेरा पानी लिया था उतनी मैंने चीनी ली है। डालते हैं इसको और गैस ऑन करते हैं। मिक्स करते हैं, चलते हैं इसको। इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। इसमें मैं येलो फूड कलर डाल रहा हूँ, ये लिक्विड के अंदर है, क्योंकि मैंने कल गुजिया बनाई थी तो उसका भी मेरे पास चाशनी रखी हुई है। उसमें मैंने केसर डाला हुआ उसके अंदर, वो थोड़ी चाशनी कम थी तो इसलिए मैंने और बनाई है। और उसके अंदर थोड़ा सा मैं रोज़ वाटर डाल देता हूँ खुशबू के लिए। और थोड़ा सा इलायची पाउडर, चाशनी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। उसमें थोड़ी गाढ़ी है तो वो मिक्स होके बराबर हो जाएगी। ये वाली चाशनी मैं पुरानी वाली चाशनी के अंदर मिक्स कर देता हूँ। गैस में मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक हम अपने आटे की तरफ चलते हैं,
आटा देखो हमारा कैसा है, इस तरह का आटा होना चाहिए, अंदर लेयर से आ रही है ना, ऐसा होना चाहिए। आप उसके पीढ़ियाँ बनाते हैं हम छोटी छोटी, जितनी आप हिसाब से बनाना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप बड़ी छोटी बना सकते हो। इस तरह बनाने के बाद उसमें एक पेन से आपने बीच में छेद करना है आर पार, बस। ऐसे बना के चलते रहो। सारी मैंने इसको तैयार कर ली है, अब इसको तेल में डालते हैं, घी में डालते हैं, यानी कि घी मैंने गरम करा हुआ, बिल्कुल ये लो उस पे है आँच में, बिल्कुल धीमा होना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए। देखो मैंने ये डाला है तो धीरे 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 ऊपर आएगी, तो हमने भी ऐसे ही करना है। एक एक करके डालते हैं इसको, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगी तो हम इसको हिलाएंगे। जितनी आ जाती है उतनी डाल देते हैं, और ये धीरे धीरे एक थोड़ी अपने साइज़ भी डबल हो जाए इनका, बस काफ़ी है इतने। बाकी गीले कपड़े से ढक देते हैं सूखे ना। देखिए धीरे धीरे इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसा ही हो जाएगा। बस को बिल्कुल धीमी आंच में रखना है, पेशेंस के साथ उसको हमने तलना है कि अंदर तक एकदम क्रिस्पी भी हो जाए और जो उसकी लेयर है वो एकदम खिल भी जाए। देखिए कैसे लेयर्स उसकी खुलती जा रही है धीरे धीरे, एक एक करके इनको पलट भी लेते हैं। जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक इसको निकालना नहीं है। अब थोड़ी सी मैंने गैस मीडियम कर दी है, कि मैंने वैसे भी छोटी गैस में रखी थी, अब अंदर तक क्रिस्पी हो चुकी है वैसे ये, बस रंग लाना है, गोल्डन करना है इसको, थोड़े टाइम में गोल्डन हो जाएगी ये, फिर निकाल के इसको चाशनी में डालेंगे। बालूशाही हमारी गोल्डन हो गई है, इसको निकालते हैं और चाशनी में डालते हैं इसको। गैस मैंने अभी बंद कर दी है, ये चाशनी में डाली हुई है मैंने, अभी ऊपर तैर रही है थोड़ी देर में, ये चाशनी पी के अंदर हो जाएगी, थोड़ी बैठ जाएगी। कम से कम 2-3 मिनट को इसको चाशनी में रहने देना है, फिर इसको निकालेंगे। लग रही है ना पूरी बाजार जैसी, अभी आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगा कि अंदर तक कैसी है, पर 2 मिनट बाद। जब तक वो चाशनी में हम सेकंड लॉट भी निकाल लेते हैं, मैंने गैस बंद कर दी है फिलहाल अभी, तेल गर्म था काफ़ी। हमारे 1.5 कप मैदे के अंदर कम से कम 12-13 की क्रेप बन गई है, ये देखिए हमारे गुजी बालूशाही कैसी है और अंदर पूरी रस भरा पड़ा है। तो आप भी ऐसे बना के खाइए और एंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।
बाकी ये वाली भी हो रही है, ये लॉट भी हमारा हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं, हम चाशनी में डालेंगे, चाशनी में डाल देते हैं। इसको पड़े रहने देंगे तो कम से कम दो तीन मिनट एक साइड, कि चाशनी अंदर तक बिल्कुल भर जाए। लीजिए, हमारे सारी बालू चाय तैयार हो गई है, बिल्कुल बाजार जैसी। तो आप भी इस तरह की बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने घर पे। आपकी होली एकदम बढ़िया हो, कलरफुल होली हो आपकी, मैं ये शुभकामना करता हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।